हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं एजेंट, सो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं, ऑप्शन इज होम सर्वाइवल आइलैंड। तो लास्ट टाइम ये देख लो, पूरी मैंने फाउंडेशन तो बिछा दी है। इसको आपको आगे से दिखाते, रुकना। ये देखो पूरी मैंने फाउंडेशन बिछा दी है यहाँ पे। बस अब मुझे ज़रूरत है इसकी वॉल बनाने की। अब वॉल तो बहुत ज़्यादा लगने वाली है, रेलिंग लगेगी। मैंने इसको मतलब एक अच्छा खासा डिज़ाइन सोचा है। और ये टू मतलब इसमें दो फ्लोर होंगे, टू फ्लोर होंगे। एक तो ग्राउंड हो गया और उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर ऊपर से होगा। तो मैं सोचा हूँ पूरी रेलिंग से इसे कवर कर दूँ, मतलब जो डिज़ाइन है उसे तो मैं कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। बट दिक्कत यह है कि उसके लिए मुझे फिर से बहुत ज़्यादा वुड काटनी पड़ेगी। अब ये देखो मेरे इस फाउंडेशन इतने कितने 9x9 81 फाउंडेशन थी, और उसके लिए न जाने मुझे कितने सारे कितने पेड़ काटने पड़े और कितने ज़्यादा वुड कलेक्ट करनी पड़ी। मैं गाड़ी को भी लेके आ गया था क्योंकि मेरे इन्वेंट्री में उतनी जगह थी नहीं, तो इसलिए मैं गाड़ी को लेके आ गया हूँ। अब एक काम और करते हैं ना, क्योंकि मुझे अपना बैग का स्टोरेज बढ़ाना है, तो उसके लिए चलते हैं लेदर लेने। और लेदर मिलेगा मुझे इस बंकर के अंदर। इसके अंदर मैं जा चुका हूँ, पर आज का एक करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और अंदर एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अब मेरे पास एक्स है तो एक्स से ही मारूँगा। एक्स से ज़्यादा लाइफ कटेगी उनकी, जो भी होगा अंदर। मतलब हो सकता है ना अंदर से कोई क्रिएचर आ जाए सीधे मेरे पे, मतलब सीधे सामने से आ जाए, तो उससे मैं सीधे मारूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जाते के साथ ही ना एक वॉल्यूम चेंज होती है। देखो यहाँ पे पहुँचे, खोला, बस इसको भी ओपन, बस ये थे इसके अंदर सामान। ये लॉकर के अंदर भर भर के सामान होते हैं। देखो टेक ऑल, मुझे बुलेट्स मिले। अरे यार मैं गलती से ये लेके आ गया ना, मुझे अपनी इन्वेंट्री पूरी खाली करके लेके आनी चाहिए थी। टेक ऑल, लेदर मिल चुका है। अब तो पक्का मेरी एक नया बैग तो बन ही जाएगा जिसमें थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज हो, ठीक है। देखो ये जो म्यूज़िक चेंज हो रखा है ना, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो मैं थोड़े रुकता हूँ। ये देखो जो पीछे म्यूज़िक आ रहा है, जो सडन चेंज होता है ना, उससे लगता है कि अंदर ना कुछ, अगर मैं अंदर जाऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ। बैकपैक मिल गया नया, रुको बैकपैक मिल गया। इसको एक बार इसको, रुको इसको कैसे करें, इस सामान को इधर इधर और इधर। चलो सामान मिल चुका है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सोचा बैकपैक के लिए करता है इतनी मेहनत, तो बैकपैक मुझे मिल गया, तो थैंक गॉड यार। मतलब मज़ा आ जाएगा बैकपैक मिल गया तो। मतलब इसके अंदर हमेशा रैंडम सामान मिलता रहता है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था मेरे को सामान तो बहुत कुछ मिला। और एक ये क्या है, चाकोल। अब पता नहीं चाकोल किस लिए यूज़ होगा, बट अभी के लिए सीधे सीधे लेते हैं और अपने डर को ख़त्म करते हैं सीधे, ठीक है। अब चलते हैं इनके अंदर। ये रूम है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है क्योंकि ये पीसी रूम है, यहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हैं। अब डर लगती है इसके अंदर। चलो एक्स पकड़ लेते हैं, अगर कुछ होगा खतरा मैं सीधे भागूंगा। हु, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, एक बार इस पर चलते हैं। अरे भाई भाई भाई, ये क्या है, ये है क्या। जल्दी मारो मारो, मैं भाग रहा हूँ, 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 मैं भाग रहा हूँ। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मैं भागता हूँ और दरवाज़ा बंद, यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है। मैं भाग रहा हूँ सीधे, मैं तो मैं भाग रहा भाई सही में। ओहो, वो क्या थे, काले इंसान थे, क्या थे वो, ज़ॉम्बी थे। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मुझे बैंडेज बनाने, अपनी लाइफ हील करनी पड़ेगी पहले तो। पर कोई बात नहीं, सामान मिल चुका है बहुत ज़्यादा। भाई साहब अब मुझे अपने लिए एक बंदूक बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं काम बनने वाला, अब सीधे बुलेट से मारना पड़ेगा उनको। मतलब बहुत ज़्यादा डर लग गई थी अभी तो। इसके अंदर मैंने कुछ रखा है क्या, ना इसके अंदर कुछ रखा नहीं है। और इसके अंदर भी, इसके अंदर स्क्रैप आ गया, इसको ले लेते, कलेक्ट कर लेते। और मैंने इन्वेंट इसमें देखो एक और एक्स क्राफ्ट करने के लिए रखी है, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि एक्स की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। देखो एक एक्स और बना ले यार, इसके लिए मुझे लगेंगी प्लैंक। पहले प्लैंक क्राफ्ट करते हैं, प्लैंक यहाँ से क्राफ्ट होंगी 25। देखो अभी मेरे को 25 प्लैंक बनेंगी ना, बस इसे स्टार्ट करते हैं। और भाई जो अंदर तमाशा हुआ ना अभी भाई, मतलब मैं मेरा दिल धक 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 कर रहा है यहाँ पे। अब पता नहीं क्या होगा उसके अंदर। ये काम करते हैं अपने लिए, ये जितना भी सामान है ना
देखो मैंने उसको बना रखा है ना अच्छा खासा, मैंने मैं इसका उसकी तरह यूज़ कर रहा हूँ जैसे कुछ एक हमारा होता नहीं स्टोरेज रूम जैसा, ये देखो मैं इसके अंदर भर कर सामान रखा है। बिल्कुल लैदर मिल चुका है, अब इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि मेरा बैग अब अपग्रेड हो गया पहले से। ठीक है सब कुछ तो ले लिया, गन पाउडर वापस इधर, ये है क्या एमओ है पता नहीं कौन सी वाली है, लेदर इधर रख लेते हैं, बैकपैक की अब जरूरत है नहीं वैसे मुझे, और ये सब सामान रखा है सल्फर, ये रेड वुड है शायद, हाँ रेड वुड, इट इज़ यूज टू क्राफ्ट अदर थिंग्स। अब पहले काम करते ना, मैं बैंडेज बनाता हूँ सही में। लेवल अप हो गया है और मैं लेवल 17 पे आ चुका हूँ, और एक चीज़ और मिली है पता नहीं क्या है, इसको देखते हैं इन्वेंट्री में। पिक चाहिए सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, मुझे चाहिए सॉइल क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर पाऊँगा ना इजीली। ये यहाँ पे तो ये सब सामान रखा पड़ा है, इस पे भी ये सब सामान है ही यहाँ पे, हाँ ये क्लॉथ ले लेते हैं और ये सब देखते हैं। अब मेरे को देखना है ना कि जो हमारा बैंडेजेस है, ये देखो इसके लिए बहुत ज़्यादा लगने वाला है, एक ये है हमारा स्मॉल फर्स्ट एड किट और एक है लार्ज। देखो पहले मुझे चार, इसके लिए चार लगेंगे। देखो मेरे पास इन्वेंट्री में भी है क्या कुछ, हाँ है तो सही, इसको यूज़ करते हैं ना। हु कम से कम 57 तो हुई, एक काम करते क्राफ्ट के लिए रख ही देते हैं, बैंडेज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब अगर मैं ऐसी पंगे लेते रहूँगा तो भाई बस ख़त्म। थोड़ा सा और बस 25 बैंडेजेस क्राफ्ट होते हैं, टाइम लगेगा उसमें, और मैं अपनी इन्वेंट्री का खाली करूँ, पर अब मेरे पास जगह नहीं है ना इन्वेंट्री के लिए, इतने सारे तो बुलेट्स आ गए मेरे पास, मेरे को रखना है बस अपने पास एक्स, एक्स रखनी है, उससे मुझे काम करना है, बस हो गया मुझे इतना ही सामान चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं सारी बुलेट्स तो यहाँ पर रख लेता हूँ क्योंकि बुलेट्स का भी उतनी ज़रूरत है, लेदर को रख लेता हूँ अपने पास, बैक पैक अपने पास रखता हूँ, इसे कहीं बक्से में रख दूंगा। ये ओर है एक, ये क्या है कॉपर ओर, इसको स्मेल्ट करने के लिए रख देंगे, बाकी अलग अलग टाइप के जो बुलेट्स आ रखे हैं ना, ये देखो इतने सारे तो बुलेट्स आ गए मेरे पास, एक ये भी है, कांच मैंने इसके अंदर रख दिया, स्क्रैप मैं इसके अंदर रख देता हूँ, नहीं स्क्रैप मुझे चाहिए, मैं इससे एक एक्स बनाऊँगा, ये दो चीज़ इधर रख देता हूँ बस। ठीक है ये भी कंप्लीट हो जाता है, अब थोड़ा इसको देखते हैं, मेरे पास वो तो आ चुके हैं ना, यहाँ से मैं अब ये क्राफ्ट कर लेता हूँ, पर मुझे अभी भी एक स्क्रैप की कमी है, तो एक स्क्रैप शायद मुझे बॉक्स में मिल जाए, इस बॉक्स में तो नहीं है, इस वाले बॉक्स में, चलो मिल गया क्राफ्ट करने के लिए। एक्स मैंने क्राफ्ट करने के लिए रख दी है, और अब मैं सोचा एक नया बॉक्स बना दूँ क्योंकि देखो यार बॉक्स है, इसके लिए मुझे 5 प्लैंक और चाहिए, उसके लिए मुझे 10 वुड, 10 वुड कलेक्ट करते हैं और जल्दी से बन जाएगी। ठीक है इसके बाद मुझे जाना है, ये पूरे पेड़ काटने, मुझे पूरी वुड कलेक्ट करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसमें। चल 5 यहाँ से आ गए, 5, अरे एक और चाहिए बस, इससे क्राफ्ट करते हैं हमारी प्लैंक, प्लैंक ज़्यादा नहीं 10 प्लैंक चाहिए मुझे, इसे तो 5 ही प्लैंक बनी, मुझे 5 चाहिए थी क्या, मैं बना क्या रहा था, बॉक्स 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 इधर है, हाँ मुझे 5 ही प्लैंक चाहिए ना, 5 प्लैंक और ये क्राफ्ट, 10 सेकंड में ये बन जाएगी और अपना बॉक्स भी रेडी हो जाएगा। ठीक है तो बॉक्स को मैं ऊपर ही रखूँगा यहाँ पे, और बस जंप, एक और जंप इस बार, मतलब जंप बहुत हमें अच्छी है, ये बन चुका है, अब बारी है इस बॉक्स की, इसको क्राफ्ट करते 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा, और ये है एवरेज इन्वेंट्री बॉक्स एक है, अच्छा एक अभी सिलेक्ट भी नहीं होगा ना। अब यहाँ पे इतने सारे कैबिनेट है, ये है पता नहीं इसके अंदर हम सामान रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, मतलब इसमें होगा नहीं होगा स्टोरेज का, इसलिए मैं भी बॉक्स से ही काम चला रहा हूँ, एक बार बना के देखूंगा तब पता चलेगा ना। जैसे स्मॉल साइज़ में मेरे पास 6 स्लॉट होते हैं, देखो 6 स्लॉट यहाँ पर है, और बाकी तो पता नहीं अब क्या होगा, मुझे लगता नहीं इस बैग की अब ज़रूरत होगी, इसे ड्रॉप कर दे या क्या करे, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं मर जाऊँ, अभी जैसे जोम्बी का अटैक हुआ ना, मुझे लगा मैं पक्का मरता हूँ। इन्वेंट्री आ जा आ जा, चलो आ गया बॉक्स आ गया है, इसको रखते हैं इधर कहीं, इसको रोटेट करते हैं बस, हाँ, इसमें 9 स्लॉट है। ठीक है तो लार्ज वाले में मतलब 12 स्लॉट होंगे। अब अपना सारा फालतू का सामान इसके अंदर रखते हैं, तो स्क्रैप की ज़रूरत है नहीं, वुड की ज़रूरत है नहीं, फाइबर की नहीं है, बैंडेजेस बन गए हैं, बैंडेजेस बैंडेजेस 20 का स्टॉक लगता है उसमें। एक्स अपने पास ही रखूँगा, ये सब मुझे ज़रूरत है इनकी, नाइफ अंदर एक्स बाहर, पिक एक्स अंदर, ये भी अंदर। अब बारी है बैंडेजेस, बैंडेजेस का अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे फैट लगेगा, फैट शायद मेरे पास 10 है, चलो काफ़ी है, 10 फैट से मेरा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएंगे,
क्राफ्ट कर लिया है, और बाकी इन बैंडेजेस से काम चला लूँगा। पहले अपनी लाइफ थोड़ी हील करते हैं। इन्वेंट्री बस यूज़, ये तीन चार ऐसे करके, चार चार करके बढ़ा रहे, उतना मेरे को लगता नहीं हो पाएगा। इसको जल्दी से यूज़ करें सारे, इसको भी। चलो 100, ओ ओ 100 होने के बावजूद मैंने यूज़ कर दिया गलती से। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। अरे यार मुझे ये भी तो बनाना पड़ेगा, कैंप फायर बनाने के लिए पता नहीं क्या लगता है कैंप फायर, क्योंकि मुझे इतना सारा तो मेरे पास रॉ फूड हो गया, उसको मुझे पकाना भी है, तभी तो मेरे पास खाना होगा, वरना मुझे केले से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे चलो पोइडेज है और कुछ है, इसको खा लेते हैं। चलो इतना काफ़ी है, और मेरे पास दो बैंडेजेस भी आ गए, इसको अपने पास ही रखता हूँ बैंडेजेस को, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। और पानी, पानी पी लेते हैं, बस पानी भी 100 हो गया। इस बॉटल को मैं गिरा देता हूँ, खाली इन्वेंट्री लेती है ना। चलो अब काटते हैं पेड़, और पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा वुड लगेगी, उसके बाद मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा वुड काट ली, प्लैंक बना लिए, वॉल भी बना दी, अब बारी है इनको लगाने की। ठीक है, मैं दो स्टैक बना दिए ये जो भी हैं वॉल, अब देखना है इसको क्राफ्ट कैसे करना है, इसमें मतलब इसको लगाऊंगा कैसे। देखो इसमें ऐसा ऑप्शन क्यों आ रहा, नीचे नीचे या ऊपर ऊपर, इसमें बट हो नहीं रहा, हो भी रहा है तो ठीक है। चलो अब लगाते हैं वुड, ये बेकार है, मैं कहीं पर लगा सकता हूँ इसके ऐसे, या तो मुझे पीछे लगेंगे ना, रुको इसके पीछे पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा, ये बेकार है, मुझे वुड साथे साथ लगाने थे क्या इसमें, तो मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ। देखो कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी लग जा रहे हैं ऐसे, तो ये दिक्कत आएगी। अब इसको फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप करते हैं, पर इसको मैं पीछे कैसे ले जाऊँ, ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन है नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, शायद ये है, ये सही गया नहीं गया, मेरे को यही से देखना पड़ेगा। अब तिरछी तो नहीं लगानी, बस यहाँ पे पहला डोर छूटेगा और दूसरा यहाँ पे, ये सही जगह प्लेस हो रखी ना, लगता तो है कि सही जगह प्लेस हो रखी है। तथा एक डोर वाला भी बना लेते हैं, क्योंकि डोर वाला भी मेन है, क्योंकि इसमें डोर लगेगा ना, तो डोर वाला तो ये रहा, इसको एक ही चाहिए मुझे अभी के लिए, इसको क्राफ्ट करते हैं। तब तो बाकी वॉल लगाते हैं इधर उधर सब, एक इधर एक इधर, मुझे डाउट है सही लग रहे नहीं लग रहे, नहीं नहीं सही लग रहे सही लग रहे सही लग रहे, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, एक यहाँ पर लगा दिया, अंदर चल के लगाते हैं इधर, अगर मैं इधर कर दूँ फिर एक काम करते हैं, पहले बॉर्डर वॉल बना देते हैं, क्योंकि उधर खिड़की भी लग सकती है ना, मैं उधर खिड़की लगा दूँगा, सही लगेगा देखने में भी। ये हो गया, और ये एक ब्लॉक का यहाँ पे प्लेस हो चुका है, एक इधर लगेगा और यहाँ पे, बस ये भी लग गया है। और यहाँ पे मैं सोचा यहाँ पे वॉल वाला विंडो वाला लगा लूँगा, वो ज़्यादा सही लगेगा देखने में। एक यहाँ पे हो गया, डोर वाला बन गया होगा शायद अभी, हाँ ये डोर वाला भी बन चुका है। और डोर वे, डोर वे को लगाते हैं आगे से, डोर वे लग जा भाई, बस डोर वाला भी लग गया। ठीक है, अब बाकी है बाकी वॉल्स की, यहाँ पे तो विंडो वाले मुझे चाहिए, अब विंडो वाले एक दो तीन चार, चार बना लेते हैं, क्योंकि चार के लिए हिसाब से प्लैंग बना रखे मैंने, पता नहीं क्यों मैंने दो स्टैक बनाए थे ना वॉल, तो ये एक इधर लग गया और एक इधर, इधर लग जा भाई, लग गया। वॉल को लगाना बड़ा टफ काम लग रहा है मुझे देखने में, तो एक इधर लग गई वॉल, अब चलते थोड़ा आगे, इसको मैं पूरा कवर करूँ नहीं करूँ थोड़ा डाउट है मुझे इस पर। यहाँ पे ये हो चुका है, अब खिड़की के आगे सही रहेगी, और यहाँ पे डाल देते हैं एक पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल इधर, ठीक है इधर लग गई एक वॉल और इधर एक वॉल, अच्छा लग रहा है देखने में ना। अब पता नहीं डोर वाले बने नहीं बने, बन गए बन गए बन गए, विंडो वाले भी बन चुके हैं, इसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे बस, यहाँ पे परफेक्ट हो गया। अब बारी है दूसरी साइड की, और इस पर भी विंडो लगाते हैं और डन, मज़ा आ गए, अच्छा खासा बन रहा है ऐसे, तो बुरा भी नहीं बन रहा, मैं सोचा तो था ऐसे बनाऊंगा, अब थोड़ा मेरे को डाउट हो रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ,
एक काम करता है, इसको अब पूरे वॉल में लगाता हूँ पीछे वाले, ठीक है, पीछे वाले साइड पे मुझे पूरी वॉल लगानी है ना। एक ब्लॉक, एक फाउंडेशन ब्लॉक ये रहा, और इसकी ये रहा, एक लग गई, दूसरा भी लग गया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स सेवन, अभी और है, मतलब यहाँ पे भी लगा दिया और इसको भी यहाँ पे, ये एक बचा होगा ना, इसको छोड़ना है, इसको इसको कुछ नहीं करना अभी के लिए। इसको मिलाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को लगा पीछे भी खिड़की छोड़ देनी चाहिए थी, वैसे कोई बात नहीं, अब बेकार हो ही गया है कोई बात नहीं, इसको ऐसे बना लेते हैं। पर दो खिड़की में कहीं ना कहीं दो खिड़की काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक खिड़की यहाँ पे इधर, और फिर उसके हिसाब से दूसरी साइड भी लगा लेंगे। बाकी डोर वॉल मेरे कंप्लीट हो ही गया, बस थोड़ा सा और बचा है यहाँ पर, और वो लगा का है तीसरे नंबर पे लगा है यहाँ पे विंडो, तो उसको इधर ही विंडो पे लगा देते हैं यहाँ पे, एक दो, अब विंडो तीन, ये वॉल एक और, एक वॉल एक और ये कंप्लीट। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। अब देखने मुझे रेलिंग कैसे बनती, क्योंकि रेलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली बहुत। हाँ, हैंड रेलिंग के लिए मुझे लगेगी प्लैंक, और पता नहीं, हाँ प्लैंक मैं बना सकता हूँ, जो प्लैंक बना लेते हैं, जितनी भी बन रही है अभी के लिए उसे बना ही देते हैं, क्या करें। 19 प्लैंक बननी, 19 बना देते हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगा हैंड रेलिंग। हैंड रेलिंग में पूरे ऐसे होते हुए यहाँ से लेके वो एंड तक लगाऊंगा ऐसे में, देखने में अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो चलते हैं, इसके अंदर चल सकते हैं हम, खिड़की से नहीं कूद सकते, और इतनी हाइट भी नहीं कि हम इन वॉल को पार कर सके। चलो देखो, अगर मैं अंदर आया तो फिर मुझे चाहिए एक रूम, ठीक है, एक डोर इधर और लगाते हैं, एक वॉल, और इधर मैं लगाऊंगा एक डोर वाला, इसको लगाते हैं इधर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, ओ बच गया बच गया, मैं टिक दबा दिया, मेरे से लग गया यार, ठीक है। तो ऐसा होगा, देखो मैं आऊँगा यहाँ से, अंदर आया तो एक डोर मेरा ये रहा, ठीक है, एक डोर तो सीधे सीधे यहाँ पर लग जाएगा, और एक डोर लगाऊंगा मैं इधर, इसके लिए मैं सीधे यहाँ पर लगाता हूँ एक, तो मैं सोच रहा हूँ ना एक जैसे अंदर आऊँगा तो एक डोर इधर है, इसको हटा देते हैं, एक डोर यहाँ से और एक डोर यहाँ से, ठीक है, दो रूम मेरे बन चुके हैं, एक को मैं कुछ ना कुछ बना ही दूंगा, इधर भी बन चुका है। अब बारी है इसको कंप्लीट करने की, यहाँ से इसको लगाते हैं पूरा ऐसे, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, अब बीच में छोटी जगह छोड़ देता था, हो सकता है मैं इस रूम से इस रूम में होते हुए आऊँ, ऐसा कर कुछ करूँ, तो वो अलग बात है। और मेरी प्लैंक भी बन चुकी है, अब बारी है रेलिंग की। रेलिंग भाई साहब, ये तो एक बनती है 15 की, कोई बात नहीं, क्राफ्ट करके देख लेते कैसी बनेगी। और ये बहुत बड़ा इलाका हो गया मेरे लिए, मतलब बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, तो इसको थोड़े पार्ट करने पड़ते हैं। किस किधर लगाऊं ये वॉल, और इधर एक छोटा सा अपना एक आने जाने का रास्ता है, ये मुझे करना है क्या, स्मेल्टिंग करनी है, क्राफ्टिंग करनी है, सोना है, रहना है, खाना खाना है। इधर से मैं आया, यहाँ से डोर अंदर, फिर एक इधर, इससे होते हुए इधर, ठीक है, उसके बाद एक मेरा ये, बस ये भी हो जाता है। एक खिड़की मुझे यहाँ पे भी लगा देनी चाहिए थी, वैसे कोई बात नहीं, अभी बाद में देखेंगे खिड़की कहाँ कहाँ लगेगी, पहले दीवार लगा देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बट ये इतनी बड़ी जगह होगी ना मेरे पास, हैंड रेलिंग भी आ चुकी है, इसको भी एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है, हैंड रेलिंग लग कैसे रही है। बस हैंड रेलिंग ये रही, अच्छी लग रही है, इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब हैंड रेलिंग यहाँ से आऊँगा, हैंड रेलिंग को हम इसमें लगा सकते हैं, स्टे के लिए भी होगी शायद, हाँ वुडन स्टे हैंड रेलिंग, मुझे फिर पेड़ काटने पड़ेंगे, पर उसके लिए देखते हैं, उसको पेड़ थोड़ा और काटने पड़ेंगे, पर अभी के लिए पहले वॉल पे ध्यान दें। मेरे को समझ में नहीं आया मैं पार्टीशन करूँ कैसे, क्योंकि पार्टीशन करने के लिए कैसे कैसे रूम बनाऊँ, दो रूम मेरे बन चुके हैं ये रे, दो रूम मेरे ईजी पीजी दो रूम। उसके बाद अगर मैं इधर से आता हूँ तो मुझे दो डिस्टेंस पे फिर एक वॉल चाहिए, एक इधर, ठीक है, एक बस एक वॉल यहाँ पे लगाते हैं, वो वॉल देखने में सही भी रहेगी, और इसको लगाते हैं इधर। अब थोड़ा इसको देखते हैं, थोड़ा सोच समझ के देखते हैं, इधर से मैं गया,
इधर दो वॉल आ गई, थोड़ा सामान इधर, मैं स्टोरेज रूम जैसा ये होगा, एक काम करें इसको स्टोरेज रूम बनाएंगे ना, बस ये बना मेरा स्टोरेज रूम। इसमें दो रास्ते, एक इधर से आ जाओ और एक इधर से आ जाओ। इधर से वाला ज़्यादा इजी रहेगा, इधर एक वॉल इधर लगा देते हैं, ये रहा। तो दो रूम मेरे बन चुके हैं, तीन रूम बन चुके हैं, बल्कि एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, अब दो वॉल बची। दो वॉल को मैं कहाँ लगाऊँ ऐसे जिससे अच्छा खासा पार्टीशन हो जाए। एक काम करें यहीं पे लगा देते दो वॉल को, एक इधर और एक इधर, बस मेरी वॉल सारी ख़त्म। पर रूम अच्छा लग रहा देखने में, पर ये जो बड़ा सा स्पेस है ना, इसमें मैं सोचा इसमें मैं क्या करूँगा आखिरकार इतने बड़े स्पेस पे। और खिड़की भी मैंने पता नहीं कैसे कैसे कर रखी है वो। और कुछ है क्या जो मैंने क्राफ्ट के लिए रखा होगा? विंडो भी तो बनती है ना, विंडो के लिए मुझे लगेंगे प्लैंक और ग्लास, तो मैं दो विंडो बना सकता हूँ। मैं थोड़ी ग्लास ले लेता हूँ, पर अभी के लिए रहने दो ग्लास। ये अभी आधा घर बना है, इसमें दरवाज़ा बाकी है अभी, और मतलब इसमें बहुत कुछ बाकी है अभी। तो सामान को भी अंदर रखना पड़ेगा, अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या पहले तो कैंप फायर बनाता हूँ मैं, कैंप में कब से भूखा रहूँ। चलो काटते हैं। मैंने पता नहीं अपनी एक्स किधर रख दी, मेरी एक्स किधर होनी चाहिए, इधर मेरी एक्स इधर, इस वाले में तो नहीं है, इसमें, इसमें भी नहीं है मेरी एक्स, ऊपर वाले बॉक्स में, इसमें भी नहीं है, इस वाले बॉक्स में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मैं क्राफ्ट के लिए रखी थी क्या एक्स? नहीं, दिक्कत आएगी। चलो पहले तो पेड़ काटते हैं, मुझे चाहिए उनसे वुड, मुझे कैंप फायर बिना मैं कब से भूखा पड़ा हूँ। अब ये चाकू भी जल्दी टूट जाएगा, चाकू ने बहुत साथ दे रखा है, अब ये टूट ना जाए। बस फाइबर नहीं, वुड चाहिए, वुड। हाँ, एक दो वुड और, कुछ वुड और, कितने लगेंगे वैसे कैंप फायर बनाने के लिए? 15 वुड चाहिए मुझे, लग गया। चाकू तो गया, चाकू गया ना गया, मेरे को दूसरा चाकू बनाना पड़ेगा। अब कितने हुए? 15, बस 3 और, 1, 2 और 3, बस कंप्लीट। चलो इतना तो हो गया कि वो नाइफ बच गया, अब कैंप फायर बनाते हैं और अपना खाना रख देते हैं। खाना पर रखूँगा कैसे, उसके लिए भी तो मेरे को लकड़ी चाहिए। अब खाना बनाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए। देखो घर ये अच्छा खासा बन गया, देखो यहाँ से मैं ऊपर गया, दबा जाए इधर हैंड रेलिंग, अभी पूरी हैंड रेलिंग यहाँ से लेके वो कोने तक लगेगी अभी, ठीक है। देखने में सही लगेगा ना, आना जाना ऐसे में। और मैं खिड़की से भी नहीं कूद सकता, और मुझे अपने वर्क बेंच, स्मेल्टर सब अंदर शिफ्ट करने पड़ेंगे पूरा का पूरा। चलो एक बार काम करते हैं ना, इसको पकड़ते हैं, इसको उठाया और इसका सामान अंदर रखते हैं। बाकी ये वॉल वॉल बनाना, इतना आज तो इतना काम हो गया है, ठीक है। इसको भी बाद में फिर देखेंगे कितना में और क्या क्या करना है। थोड़ा वुड काट के ना खाना रख देता हूँ मैं खाने के लिए, खाना बचा नहीं। चलो वुड मिल गई, एक कम से कम स्टार्ट स्मेल्टिंग तो हो जाएगा, खाना पकाना स्टार्ट हो जाएगा ना। अरे यार अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा खाने लेने के लिए। अब मैंने कौन से बॉक्स में रखा होगा खाना? इसमें, हाँ इसमें है। चलो इसमें स्टेक ले लेते हैं, और चल चाकू से भी तो कर सकते होंगे ना, चाकू तभी तो यूज़ होता है। चारकोल, फ्यूल, फ्यूल के लिए सिर्फ लकड़ी है इसमें ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि कुछ हम और चीज़ से कर सके, ऐसा भी तो कर सकते ना। नहीं, चारकोल अलग ही चीज़ के लिए यूज़ होगा, स्टार्ट कुकिंग। हूँ चलो ये तो काम, अब अच्छा खासा उजाला हुआ ना घर में। एक मेरे पास लेवल अप करके एक आई थी लाइट, ये भी इसको लेते हैं अपने उसमें और लगाते हैं इसको कहीं ना, इसको लगाते हैं इधर। इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन, इसको ऑन कैसे करूं? पर
अच्छा इसके पास स्विच नहीं है, इसको जलाने के लिए स्विच भी लगेगा अभी, ये बेकार है। 80 का लेता है और पता नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर आती कैसे है। ठीक है, बट आज के लिए इतना काफ़ी है, सही बताऊँ मैंने बहुत तो वुड कलेक्ट कर ली, वॉल बना लिए, ये मेरा घर बन रहा है। ठीक है, तो मतलब घर की अभी स्टार्ट हो रही है जर्नी, घर धीरे धीरे पूरा बन जाएगा। अभी वुड देखो मेरे पास टास्क भी कंप्लीट हो गई, ये कलेक्ट, ये कलेक्ट, कलेक्ट कलेक्ट, ये भी कलेक्ट। अब बचे मेरे पास वुडन विंडो लगानी है और विंडो भी बन जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इस डे के टास्क पूरा करके चलते हैं। ये देखो मैं बहुत कुछ आ चुका है, कांच चाहिए था, अरे मुझे प्लैंक चाहिए था तभी तो मैं नहीं बना रहा था विंडो। एक स्टूल भी आ चुका है, स्टूल को भी लगा देते कहीं ना कहीं, खाली इन्वेंट्री में रह के क्या ही करेगा ये। स्टूल लगाते हैं यहाँ पर, हाँ इसमें बैठ नहीं सकते क्या? बैठ जा भाई, बैठ जा बैठ जा बैठ जा नहीं बैठने आ रहा है। आई होप आपको ये घर बन रहा है, जो घर बन रहा है ना आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे बनते रहेंगे, क्या क्या है क्या नहीं है वो भी पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, सो बस ये था मेरा घर की जर्नी। अभी घर बहुत बनने वाला है, इसमें बहुत सारा सामान लगेगा, मतलब भर भर के सामान लगेगा इसमें। तो ये हो गया, और अगले पार्ट में मैं पूरा इसे कंप्लीट कर दूंगा, चाहे कितना ही लंबा पार्ट क्यों ना हो जाए, पर मैं पूरा कंप्लीट करूंगा इसको। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि घर तो बन ही जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, घर बनेगा तो आपको वीडियो आएगी ना, तो देखना उसे। ठीक है, और मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।